ये अभी हम इंटर हो चुके हैं 2-बेड अपार्टमेंट में और इसका चल के एक विजिट करते हैं। यहाँ पे इंटर होते ही एक किचन का डोर है और ये जो डिवाइस है ये इंटरकॉम की डिवाइस लगी हुई है यहाँ पे, और ये इसका फ्यूज़ है। ये किचन काउंटर है यहाँ पे, मतलब किसी को भी आप सर्व करना चाहें। ये एक बड़ा सा लाउंज है, लिविंग एरिया। बाहर चल के व्यू देखते हैं इसका। बेलकनी का साइज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे पानी के शोर की वजह से मेरी थोड़ी सी हो सकता है आवाज़ सही नहीं आ रही हो, तो काफ़ी बड़ा साइज़ है बेलकनी का। मतलब यहाँ पे आराम से आप टेबल वगैरह चेयर्स रख के, 4-5 चेयर्स रख के बैठ सकते हैं। ये स्लाइडिंग डोर है, इसमें बड़ा इजीली बंद हो जाता है। ये रूम्स की तरफ, ये एक कॉरिडोर है, लिविंग एरिया से एक कॉरिडोर है जो कनेक्ट कर रहा है बेडरूम्स के। यहाँ पे एक वॉशिंग एरिया आ गया, यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख के क्लॉथ्स वगैरह आपने वॉश कर सकते हैं। पावर का पॉइंट दिया हुआ है, और ये एक पाउडर रूम आ गया। ये मास्टर बेड लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे बेडरूम है। इसमें इस अपार्टमेंट के अंदर 2 बेडरूम है। लिविंग एरिया का विजिट हमने पहले किया, अब हम चलते हैं मास्टर बेड की तरफ। यहाँ पे इंडोर यूनिट इंस्टॉल हुआ है, उसके अलावा एक बड़ी सी विंडो है बिल्कुल फ्रंट पे, और बाहर का व्यू तो आपको मैंने बेलकनी से दिखाया, वही सेम व्यू है यहाँ से भी। अच्छा, इसमें एक विंडो जो है वो ओपनेबल है, ये विंडो ओपन हो सकती है, बाकी तो फिक्स्ड है। ये विंडो अभी ओपन नहीं हो रही, ओपन ये विंडो ओपनेबल है। इसमें अटैच बाथ है जिसको मास्टर बाथ कहते हैं यहाँ पे, और वार्डरोब्स भी हैं। इसके अलावा वार्डरोब्स भी काफ़ी बड़े साइज़ की हैं, ऊपर भी जगह है रखने के लिए। यहाँ पे भी अंदर अच्छी खासी जगह है। इंटरवुड ने काम किया, ये जो वार्डरोब का यहाँ पे काम किया है वो इंटरवुड ने किया है, बहुत अच्छी कंपनी है। इंटरवुड के बारे में अगर आप नहीं जानते तो इंटरनेट पर सर्च करें, मतलब इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कंपनी है जिसने यहाँ पे काम किया है MR पे। ये सारे दरवाजे, मतलब जो भी वुडन वर्क्स हैं वो इंटरवुड ने किए हैं। ये हमारा आ गया मास्टर। मास्टर बाथ में देखें, सबसे अच्छी चीज़ के यहाँ पे 2 बेसन लगे हुए हैं, मतलब एक ये वॉश बेसन, एक वो है सामने, 2 सिंक हैं, फिर एक इसमें आ गया टब, आ गया बाथ टब, और यहाँ पे टॉयलेट सी, और उसके बाद ये एक शावर क्यूबिकल है इसमें। तो मतलब काफ़ी स्पेशियस है ये। यहाँ पे एक हैंड ड्रायर के लिए पॉइंट दिया हुआ है, हैंड ड्रायर अगर लगाना है तो वो यहाँ बंदा लगा सकता है, ये उसका स्विच है। और यहाँ पर ये शेवर के लिए, शेव वेव करने के लिए बंदा यहाँ पे अपने प्लग, इसमें अंदर प्लग इन करके और इस सॉकेट से पावर मिल जाएगी शेवर के लिए। मिरर के ऊपर 2 लाइट्स दी हुई हैं, और इसकी सीलिंग में 4 लाइट्स हैं, 1, 2, 3 और 4,
और ये जो है, ये जो आपको एक नज़र आ रहा होगा डिवाइस, ये बेसिकली सक करने के लिए, मतलब जो यहाँ पे स्मेल वगैरह उसको सक करने के लिए, मतलब एक तरह से एग्जॉस्ट है। दूसरे बेडरूम की तरफ ये इसका आ गया बेडरूम, वो मास्टर बेडरूम था, ये बेडरूम है। इसमें वार्डरोब जो है वो यहाँ सामने लगी हुई है, एक एसी इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है। इसकी जो विंडो है वो उससे थोड़ी सी छोटी है, मतलब वो तो पूरी वॉल पे थी, ये ऑलमोस्ट 75% ऑफ द वॉल पे है, 50% बल्कि। और इसमें भी वही एक ओपनेबल है, इसको आप ओपन कर सकते हैं। वॉशरूम भी देख लेते हैं इसका, वॉशरूम भी इसका जितना रूम है उसके हिसाब से ठीक है, अच्छा साइज़ है इसका। वॉशरूम का साइज़ आप देख सकते हैं, इसमें एक शावर क्यूबिकल है, इसका जो शावर क्यूबिकल है वो बड़ा है उससे एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि उसमें बाथ टब था, इसमें बाथ टब नहीं है, तो इस वजह से इसका शावर क्यूबिकल बड़ा है। टॉयलेट सीट, फिर एक वन बॉक्स लगा हुआ है, बेसिकली यहाँ से इंटरनेट सप्लाई होता है, और हमारे जो यहाँ पे इंटरनेट का जो काम देख रहे हैं एक्सपर्ट हैं मिस्टर जाहिद, वो हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जी जाहिद, ये आप बता रहे थे इसके बारे में, ये किस तरह काम करता है और कि क्या सर्विस प्रोवाइड करता है ये बॉक्स? इसके अंदर हमने इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की हुई है जीपोन के थ्रू, ठीक है, इसके फाइबर के थ्रू, ठीक है। ये हमारी फाइबर की एफओ लगी हुई है, यहाँ से फाइबर टर्मिनेट हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक डिवाइस लगेगी जिसको हम जीपोन डिवाइस कहते हैं, ओएनटी इसको कहते हैं, ओएनटी यहाँ पर लगेगी, वहाँ से इसको पावर दी जाएगी। अब वो ओएनटी क्या करेगी, ये हमारे पास क्या कहते हैं आईओज लगे हुए हैं जो इस पूरे अपार्टमेंट के अंदर एक एक पॉइंट में इंटरनेट सप्लाई कर रहे हैं, इंटरनेट सप्लाई करने के लिए ये मतलब यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओएनटी कौन लगाएगा यहाँ? ओएनटी यहाँ पे हमने पीटीसीएल वालों को दिया हुआ है, वो पीटीसीएल वाले आके यहाँ पे ओएनटी लगाते हैं। अच्छा, मतलब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन वाले आके। तो आपका जो मतलब आपने जो यहाँ पे काम किया है वो यहीं तक किया है? हमारा जो यहाँ पे सिर्फ पैसे। अच्छा, ये जो आप ऊपर जो व्हाइट कलर के दिखा रहे हैं ये पॉइंट्स, ये इंटरनेट सप्लाई कर रहे हैं? जी, ये इंटरनेट सप्लाई करेंगे पूरे अपार्टमेंट के अंदर। अच्छा, पूरे अपार्टमेंट में है यहाँ? हाँ, ये पूरे अपार्टमेंट के अंदर ही है। गुड गुड, ठीक। तो यहाँ से मतलब ओएनटी लगेगी और ये एनर्जाइज हो जाएगा? बिल्कुल, ओएनटी लगेगी तो ये एनर्जाइज हो जाएगा, वो ओएनटी के थ्रू हम इसको एनर्जाइज करेंगे। ओके, थैंक यू मिस्टर दर। डिवाइस नज़र आ रही है, बेसिकली यहाँ पे जो एसी सिस्टम है ना, वो लाउंज लिविंग एरिया के अंदर जो है वो सेंट्रलाइज है, मतलब ये आप देख रहे हैं ये ऊपर जो गेल्स हैं ये सेंट्रलाइज हैं, इसमें दो इनलेट हैं दो आउटलेट हैं, तो इसका जो टेम्परेचर कंट्रोल होगा ना वो इस डिवाइस से होगा। ये डिवाइस ऊपर लगी हुई है तो इसका एक अलग से रिमोट है, मतलब इसको आप नीचे से खड़े होके इसको आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, और ये आपकी कंट्रोल करेगा पूरे इस एरिया को, मतलब उसमें कॉरिडोर भी आ गया, ये सामने जो एंट्रेंस कॉरिडोर था, और उसके अलावा ये यहाँ पर लिविंग एरिया आ गया, तो इसको ये कंट्रोल करेगा। जो रूम्स में एसी सिस्टम है वो तो सेपरेट है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, ये जो सिस्टम है वो डिपेंडेंट है, मतलब पूरा कनेक्टेड है, वो इंडिपेंडेंट काम है।